हेलो दोस्त, चलते चलते आ चुके हैं क्लास नंबर 27 नंबर पे, जो एलपी सीबीटी3 या साइको टेस्ट का क्लास है। यहाँ बात करने वाले हैं परसेप्चुअल स्पीड यानी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण। ये दो टाइप का टेस्ट लिया जाता है। पहला टेस्ट में आपको 72 प्रश्न पूछे दिए जाते हैं, जिसके लिए टाइम तो 4 मिनट ही होता है। दूसरा टाइप का टेस्ट जो हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करने होते हैं और ये टेस्ट नंबर 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेल होते हैं टेस्ट 5 में। अगर एक्चुअल में टेस्ट नंबर 5 ये होता है तो फेल क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे इजी तो प्रश्न यही है, लेकिन नंबर ऑफ प्रश्न सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। और दूसरी कंडीशन आप याद रखिएगा कि जो भी टेस्ट होता है ये 5 नंबर, वो सबसे लास्ट में होता है। क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है, तो लोगों की कंसंट्रेशन भी भंग होती है। टेस्ट नंबर 1 से आप शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका टाइम के साथ आपकी स्पीड भी कम होती है, और यहाँ बढ़ाना होता है स्पीड। तो इसके लिए बिना प्रैक्टिस को आप इस टेस्ट को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पहला टेस्ट में आपने जानते हैं कि 72 प्रश्न कौन से होते हैं, जिसमें पहले एक फिगर दिया होता है 4 नंबर, और उसके बाद इधर की तरफ 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको मैच करना होता है। इसको भी बोलते हैं परसेप्शन स्पीड टेस्ट के लिए भी ये भी होता है। और दूसरा टेस्ट जो यहाँ लाए हैं, एक सिंबल सा होगा जिसमें 3-4 घेरे होते हैं, जैसे ये एक बॉक्स ऐसा बना दिया जाएगा हेक्सागोनल 5-6 का, उसमें एक लाइन होती है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि इसमें कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है, और इसका ट्रिक्स मैं बता दूं। सबसे पहले इस प्रश्न को आपको ट्रिक्स करना है, तो पहला ट्रिक्स यहाँ पे ये है कि इसमें केवल एक ही ऑप्शन होता है, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा। कितने होगा? एक ही होगा। बाकी में क्या होता है कि ए बी सी डी हो सकता है, जैसे हमने बोला था डिजिट सर्च कोच में, जिसमें आपने डिजिट 6 या 9 खोज रहे हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा में आपका आंसर मैच होगा, जो आंसर ई बनाता है। लेकिन यहाँ जब आपको जहाँ पहला प्रश्न आंसर मिल गया उसको आपको टिक कर देना है, इसके बाद आगे नहीं देखना है कि आगे भी इसका आंसर हो सकता है। ये तो बात समझ गए। उसके बाद अगला इसमें ट्रिक्स है दूसरा, कि इसमें आपको 50 प्रश्न करना ज़रूरी है 4 मिनट में, और ये बहुत स्पीड से ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस यस या नो करना है और कंप्यूटर पे टिक करते जाना है। टिक करने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, माउस चलाने की भी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है ये 4 मिनट का टाइम बदलाव आपको सीबीटी टेस्ट में हो सकता है, मेरा ये पर्सनल अनुमान है, लेकिन अभी तक हम चल रहे हैं जो पैटर्न है उसके अनुसार से, तो ये टाइम बदलाव पॉसिबल है। तो 2 ट्रिक्स हो गया आपको। और तीसरा ट्रिक्स ये ध्यान देने वाला है कि अगर आप प्रश्न में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी आंसर आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी प्रश्न को आंसर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको छोड़ देना है। तो चलिए ट्रिक्स के बाद हम चलते हैं शुरू से ही प्रश्न में। तो प्रश्न को एक बार आप समझ लें। इसमें सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस प्रश्न को आप समझिएगा। पहले क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहले लाइन में ये सारे प्रश्न हैं 1 2 3 4 5 7 8। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी ई के तरफ में। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न का एक ही आंसर होगा और एक ही ओनली वन आंसर है। तो इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा लकीर है, आपको टाइम नहीं वेस्ट करते हुए बस टिक करते जाना है, कंप्यूटर में टिक लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो एक बार समझिएगा। इसमें भुजों की संख्या 3 3 6 2 8 है, हो सकता है यहाँ पे 6 8 है, ऐसा संरचना आपको दी गई है, इसमें 8 है, लेकिन हो सकता है कई बार आपको 5 ही मिले और कई बार 4 भी मिल सकता है, कई बार कुछ संख्या भी चेंज हो सकता है, बस इसको आकृति को ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट है, तो सबसे पहले ऊपर से नीचे आकृति आ रही है, राइट आंसर है, इधर से राइट जा रहा है, इसका आंसर बस टिक करते जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सी आंसर है। 4 का आप इधर देखें तो ए में आंसर है, दूसरा नहीं देखना है कि दूसरा होगा कि नहीं, पहला जो आंसर मिल गया वो आंसर है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो डी आंसर है, 6 में देखेंगे तो आपका डी आंसर है, 7 में देखेंगे तो आपका आंसर कहाँ से आ रहा है, आंसर आपको ये आ रहा है बी में। उसके बाद 8 में देखेंगे तो इसको प्रश्न को और ऊपर लेते हैं, 1 में देखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है ए में। उसके बाद 9 में देखिए, एकदम बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 9 में आप देखेंगे तो लगभग आंसर ए है। उसके बाद 10 में देखेंगे नीचे की तरफ वो आंसर ऊपर, 11 में देखेंगे ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके बाद नीचे से ऊपर, तो एकदम बिल्कुल एक ही प्रश्न को बदल बदल के एरिया बदला हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे 14 में,
तो आंसर यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ पे कितनी आसान से 16 प्रश्न हो गए, एक मिनट भी नहीं हुआ। 17 मिनट में आइए, 17वें नंबर में आइए, ये है 18 नंबर में आइए तो आपका आंसर कहाँ है, यहाँ है। 19 नंबर में आइए तो आंसर यहाँ है। 20 में जाइएगा तो 20 के प्रश्न का आप आंसर देखेंगे तो यहाँ है। 21 का प्रश्न देखेंगे तो ये में ही है। 22 का भी देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ है। 23 का देखेंगे तो एकदम बिल्कुल स्टेट है। 24 का देखेंगे तो साइड से स्टेट है, तो साइड से स्टेट यहाँ है। उसके बाद 25 का देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ है। 26 का देखेंगे तो आपका 26 का आंसर यहाँ है। 27 का आंसर कहाँ पे है तो ये में है। 28 का आंसर कहाँ पे है तो आपका आंसर डी में है। 29 का देखेंगे तो साइड से आप देख लें कौन सी है, राइट साइड से है तो यहाँ पे है। 30 का देखेंगे तो आगे एकदम बिल्कुल आराम आराम से होते जाएगा, इसी तरह आपको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद अगला देखेंगे तो डी है। 31 को देखेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा डी में। उसके बाद 32 का नंबर देखेंगे तो राइट आंसर आपके पास कितना है, राइट आंसर यहाँ पे दिख रहा है आपके सी में, तो राइट आंसर यहाँ सी में है। उसके बाद 33 देखिए, बिल्कुल इजी इजी से होते जाएगा। 33 में आप देखेंगे प्रश्न का आंसर तो आपको यहाँ मिलेगा। 34 का आपका मिलेगा यहाँ पे। 35 का आप देखेंगे तो 35 का आंसर मिलेगा यहाँ पे। 36 बस टिक करते जाना है, हमें कुछ नहीं करना है इस पे। 37 नंबर प्रश्न आप देखेंगे तो आप साइड में देख लें बिल्कुल आराम से। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखेंगे तो आप 38 में आ पाएंगे तो यहाँ आएगा। 39 में आप प्रश्न का आएंगे तो 39 में आपका प्रश्न का आंसर यहाँ है। 40 में प्रश्न का आंसर देखेंगे तो यहाँ है। उसके बाद 41 में आएंगे तो 41 में प्रश्न आंसर। 42 बस कि कुछ नहीं करते जाना है, बस हमें टिक करते जाना है। उसके बाद 43 कितनी आसान से हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 44 राइट लेफ्ट करते जाइए, बस एक आंसर देखना है। उसके बाद आप आंसर में आप टिक करते जाइएगा, बस यही आपको कंप्यूटर में हाथ बैठाना है कि कितना आप फास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं 46 में एक बार रोक रहा हूँ, यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में है, यहाँ एक साइड में है, तो ये गलती नहीं कर दीजिएगा, बीच वाला को ही लेना है। उसके बाद आपका 47 नंबर वे बिल्कुल ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ है। 48 में आप देखें तो साइड में है तो 48 में साइड में यहाँ पर है, इस वाले प्रश्न में सी नंबर 48 का आपका आ गया यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर बी में, तो ये बी में आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न में चले 49 में, तो 49 में देखे ऊपर से नीचे, इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, इधर की तरफ। उसके बाद अगला प्रश्न ऊपर से नीचे यहीं के यहीं पे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ के सेम साथ में, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ का प्रश्न आपका आंसर यहाँ पे है सी में है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न देखें ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ऊपर के नीचे की तरफ एक ही है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न बीच से ऊपर में, तो बीच से ऊपर में। उसके बाद ये साइड में एकदम बिल्कुल साइड में। उसके बाद बीच से साइड में, तो बीच से साइड में। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में इधर में है तो यहाँ पे आ गया। 57 नंबर आप देखें तो ऊपर से नीचे है, तो ऊपर से नीचे डायरेक्ट सी में है। उसके बाद साइड से इधर की तरफ है, तो साइड से इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे है। उसके बाद इधर से साइड से ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ऊँचे की तरफ आपका यहाँ पे सी में है। उसके बाद आप देखें 60 नंबर प्रश्न, तो 60 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको सेम के सेम साथ में मिल जाएगा। उसके बाद 61 नंबर देखेंगे तो डी में है, फिर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ डी में है। उसके बाद यहाँ राइट में देखें तो यहाँ राइट में, यहाँ बी में है। उसके बाद 64 नंबर फाइनल आंसर को देखेंगे तो इसका आंसर यहीं के हैं, यानी ए में है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये आंसर एक जैसा जुलको मिल रहा है। उसके बाद 65 66 देखेंगे तो ऊपर से साइड में है, तो ऊपर से साइड में आप देखेंगे तो प्रश्न का एक ही आंसर है, थोड़ा सा फिगर में अंतर पड़ रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट ये चिन्ह थोड़ा सा और ऐसा होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर देखेंगे तो नीचे से ऊपर है, इसके बाद ऊपर से नीचे फिर की तरफ है, तो यहाँ पे आंसर ये है। उसके बाद नीचे से ऊपर है तो यहाँ पे भी आंसर ये आपका है। उसके बाद अगला आंसर ऊपर से साइड की तरफ है तो यहाँ भी ये है। उसके बाद अगला आंसर में देखेंगे राइट से रेक्ट, देखिए एकदम बिल्कुल इसका आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे आंसर है। उसके बाद ये साइड वाले भी देखिएगा, तो कुछ प्रश्न आसान हो जाते हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट होता है। अगला प्रश्न भी सेम उसी जैसा रिपीट कर रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पे आपको अलग है। उसके बाद 73 नंबर ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे है, 74 में आप देखेंगे नीचे से साइड की तरफ
से है, तो साइड की तरफ से देखेंगे आंसर यहाँ है, ऊपर से साइड नीचे की तरफ यहाँ आंसर यहाँ है, इसके बाद साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल इसी के साथ चल रहा है। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे यह है, उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ देखें, स्पीड बनाना है बस आपको, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ है, उसके बाद फाइनली 80 नंबर प्रश्न देखें नीचे से साइड में तो ए का ए आंसर है, यहाँ पे आपका आंसर कहाँ पे है, ए में है। उसके बाद आप लास्ट प्रश्न का सेट है 81 में आप देखें तो आंसर सी है, इसके बाद नीचे की तरफ प्रश्न में देखें तो आपका आंसर बी है, इसके बाद ऊपर की तरफ ये देखें तो सी है, उसके बाद इधर से साइड में देखेंगे तो आपका प्रश्न का आंसर यहाँ पे है, ऊपर से साइड के साथ आंसर है, उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आंसर आपको मिलेगा सी में, उसके बाद अगला आंसर देखेंगे तो ऊपर की तरफ एकदम बिल्कुल सेंटर में है, वो भी सी में है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे साइड से है तो साइड से यहाँ पे बी में आंसर है, उसके बाद 89 नंबर देखेंगे तो यहाँ ऊपर से साइड में देखेंगे तो ये प्रश्न आंसर आपको मिलेगा सी में, उसके बाद नीचे से देखेंगे तो यहाँ मिलेगा डी में, उसके बाद उस साइड से देखेंगे ऊपर की तरफ से तो यहाँ मिलेगा ए में, ऊपर से राइट साइड में तो राइट साइड में आंसर यहाँ सी में है, ऊपर से साइड में तो ऊपर से साइड में यहाँ पे आपका आंसर डी में है, बीच से इधर साइड में है तो बीच से साइड आंसर सी में है, उसके बाद आप 94 नंबर देखेंगे तो आंसर डी में है, 95 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आपको डी में है, और 96 नंबर फाइनली देखें तो सेंटर से ऑप्शन आपका सी में है। तो इस तरह से आप प्रश्न करेंगे तो ये बिल्कुल आसान से हो जाएगा, ये 96 प्रश्न है, तो इसे बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड प्रश्न, बहुत ईजी होते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना है, जितना जल्दी आप कर पाएँ तो उतना आसान होगा। थैंक यू, धन्यवाद।